भी बहुत अफसोस की बात है कि जब आजकल जो जमाना है, लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, हम पीछे जा रहे हैं। जैसे पुराना एक वक्त था, लोग केव्स में रहते थे, मकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और आज जो हमारे हालात बन रहे हैं बॉर्डर्स पे, जिस तरह हम जो हमारा अपना जो एनर्जीज वगैरह एक दूसरे को बर्बाद करने में हम लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग बंकर तो हम बना लेंगे, जान आपने बचा ली, पर जो हमारे बच्चों की एजुकेशन का नुकसान होता है वो उसका कहा क्या हो सकता है, उसका कोई खिमियाजा कौन भर सकता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है, मुझे खुशी हुई, मैं कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने कहा कितना ही अच्छा होता अगर हम मिलके, हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके गरीबी के खिलाफ लड़ते, डेवलपमेंट की बात करते, मुफलिसी के खिलाफ लड़ते। तो मेरा ये है कि हम सबको जो हमारा जो सेंस ऑफ हाउस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो बंकर तो इस वक्त हमारी जान के लाले पड़े हैं, तो बेचारे उनको हम क्या बता सकते हैं इस वक्त कि वो चाहते हैं कि कहीं से उनको जगह मिले सर छुपाने की। मुझे बहुत अफसोस भी होता है, शर्म भी आती है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हम लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। जहां हम लोगों को अच्छे अस्पताल देने चाहिए, अच्छी एम्बुलेंस देनी चाहिए, वहां हम बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस की बात करते हैं, वहां हम बंकर्स की बात करते हैं, अच्छे स्कूलों की जगह हमारे बच्चे आज टेंटू में बैठे हैं, उनका वक्त जाया हो रहा है, उनका मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरा ये है कि बंकर तो बनेंगे और जल्दी बनेंगे, मगर असल में बंकर बनाने की ये बात नहीं है। बात यह है कि कब तक जम्मू कश्मीर जो है हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बनेगा, कब तक हमारे फौजी बॉर्डर्स पे कुर्बानियां देंगे, कब तक हमारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे। और यही आलम वहां भी होगा, उस पार भी ऐसा ही होगा, कोई वहां कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, वहां भी आम लोग मारे जाएंगे। सिर्फ फर्क यह है कि वहां डायरेक्शन मिलती है, सिटी बचती है, लोगों को घर खाली करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जमहूरी निजाम है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, मगर सफर गुरु तरफ से लोग कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तो यहाँ सारे मेंबर्स ने अपना कंसर्न दिखाया बंकर्स को लेके, तो बंकर्स का तो सैंक्शन हुआ है, पर मैंने कोई उसमें स्टेटमेंट आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उन बंकर्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, तो शायद उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। हम फिर उनसे होम मिनिस्टर के साथ ये मसला उठाएंगे, ये जल्दी बनना चाहिए। मगर उसके बावजूद मुझे बहुत रिजर्वेशन है इस बात से कि आज के वक्त में हम बंकर्स की बात कर रहे हैं, जबकि हमें और अच्छी अच्छी बातें, अच्छे स्कूल की बात पर, ये हमारी बदकिस्मती है, फंस गए हैं। बॉर्डर तो पूरा मुल्क का पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, मगर जम्मू कश्मीर ही इस आग के बीच में फंस गया है, हमारे लोग, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वजीर आजम ने हमारे बयान दिया है, पाकिस्तान उसका मुस्बत रद्दअमल करेगी, रिएक्शन देगा, कि जो उन्होंने कहा है कि हमें मिलजुल के गुर्बत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, मुफलिसी के खिलाफ लड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में भी वो इंटरव्यू उन्होंने देखा होगा और वो भी इसका मुस्बत जवाब देंगे। और ये जो हमारा वाजपेयी जी के टाइम में हमारे बॉर्डर्स पे गोलाबारी बंद हुई थी, कई साल तक हमने बड़ा सुकून चैन से हम लोग रहे, शादियां लोग करते थे, बाकी चीजें होती थी, स्कूल जाते थे बच्चे, अभी भी तार है तो तार के उस पार आप फंस जाते हो, वहां से नहीं आ सकते हो, आपके स्कूल आते हैं फायरिंग रेंज में, तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये है कि बंकर तो एक टेम्परी हल है इसका, असली हल इसका ये है कि दोनों मुल्क जो आपस में हमसाया है, इनको एक दूसरे के साथ रहना सुकून के साथ और बिना जंग के रहना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज इस तरह से हम लोगों की मुसीबत एक बंकर बनाने से या 5 मरले जमीन दे दो, तो फिर हमारे बॉर्डर का क्या होगा, जो हमारे लोग बॉर्डर की कुर्बानियां दे रहे हैं, हमें उसको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर में वो 4 हमारे मार देंगे, हम वहां 8 मार देंगे, फिर वो हमारे और 4 मार देंगे, क्या बॉर्डर के लोग इंसान नहीं है? क्या हमें उनके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हम ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाएं जिससे बॉर्डर पे ये खून खराबा बंद हो? पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, वो एक छोटा मुल्क है, उनकी भी वहां बहुत गुर्बत है, बहुत मुफलिसी है, बहुत उनके भी वहां वही जरूरतें हैं जो हमारे यहाँ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे वजीर आजम की जो बात है उसको वो सीरियसली लेंगे, संजीदगी की लेंगे, और बॉर्डर्स पे
एकदम फिर वैसी शांति होगी जैसे पहली हुई होगी। दूसरा जहां तक बंकर्स का सवाल है, हम कोशिश करेंगे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उठा के इसको जितनी जल्दी हो सके ये बंकर्स बनने की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।